नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की मुख्य खबरें। बैतूल, वार्षिक निरीक्षण के लिए डीआईजी पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बैतूल में नर्मदापुरम संभाग के डीआईजी वार्षिक निरीक्षण के लिए कल दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचने के पूर्व उन्हें विभाग द्वारा सलामी दी गई। इसके पश्चात डीआईजी द्वारा विभागीय समीक्षा की गई। इस अवसर पर एसपी सिमाला प्रसाद, एडिशनल एसपी श्रद्धा जोशी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बैतूल, 300 लीटर प्रति मिनट होगा उत्पादन। ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा जिला अस्पताल, 2 दिन के भीतर किया जाएगा कार्य संपन्न। बैतूल के जिला अस्पताल में लगने वाली ऑक्सीजन प्लांट की 300 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाली दिल्ली से गैसकॉन कंपनी की मशीन सुबह 8 बजे जिला अस्पताल पहुंची। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 4 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगना था, जिसके तहत जिला अस्पताल में कल पहला प्लांट लगाया गया, जो कि 300 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाली मशीन है। वहीं इस मशीन के फाउंडेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया था। अब 2 दिन के भीतर इसे लगा दिया जाएगा। मुलताई, सारनी और घोड़डोंगरी, इन जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगना भी बाकी है। आठनेर, गुजरमाल के पीएम सड़क मार्ग स्थित पुलिया में आई बाढ़, जान जोखिम में डालकर वाहन चालक कर रहे थे आवागमन। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुजरमाल के पास स्थित पुलिया में 28 जून सोमवार को 2 बजे तेज बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए। इसके बाद भी ग्रामीणों और वाहन चालकों द्वारा आवागमन करते हुए देखा गया। मामले का वीडियो शेयर करते हुए ग्रामीणों ने मामले की पुष्टि की है। ज्ञात हो कि सोमवार के दिन 28 जून को दोपहर 2 बजे के बाद लगातार तेज बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर थे, जहां नदी नालों में आई बाढ़ के बावजूद भी लोग पैदल चलकर, वाहन चालक या साइकिल चलाते हुए लोग भी नाला पार करते हुए देखे गए। बैतूल, कोसमी के पास से कोतवाली पुलिस ने 59 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को बाइक सहित किया गिरफ्तार। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद के निर्देश पर सट्टा जुआ और शराब के विरुद्ध धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 28 जून को कोतवाली थाना प्रभारी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर कोसमी के पास से कल 28 जून दिन सोमवार को अवैध रूप से कच्ची शराब बोरी में भरकर ले जाते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि टूरा बोरगांव निवासी व्यक्ति द्वारा शराब बोरी में भरकर कोसमी डैम के पास से ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सहित चालक को पकड़कर कोतवाली थाने लाया गया, जिसके बाद उस पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बैतूल, गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबू चौक पर वाटर एटीएम को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर एटीएम से 2000 रुपए लेकर हुए फरार। बैतूल जिले में चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ऐसा ही मामला कल दिनांक 28 जून की सुबह देखने को मिला, जहां पर गंज स्थित बाबू चौक पर वाटर एटीएम का ताला तोड़कर एटीएम में रखे लगभग 2000 रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस मामले की जानकारी वाटर ठेकेदार द्वारा कल सुबह 10 बजे गंज थाने पहुंचकर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और गंज पुलिस द्वारा जांच की गई। आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। वहीं वाटर ठेकेदार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके पूर्व भी कारगिल चौक पर स्थित वाटर एटीएम का ताला तोड़ा गया था और उसमें रखे रुपए भी चोरी किए गए थे, लेकिन अब तक उस मामले में भी चोरों का खुलासा नहीं हो पाया है। आज यह दूसरा मामला है। मुलताई, ग्राम उभारिया से आगे एक अज्ञात पिकअप ने खड़ी कार को मारी टक्कर, दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक हुआ फरार। दुर्घटना में कार के पीछे वाला हिस्सा बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। मामला मुलताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उभारिया और ससुंदरा के बीच का है, जहां पर एक खड़ी कार को टक्कर मारकर पिकअप वाहन चालक वहां से फरार हो गया। जानकारी अनुसार विवेक, उम्र 28 वर्ष, शाम 6 बजे के करीबन आमला से मुलताई आ रहा था। इस दौरान ग्राम ससुंदरा के आगे फ्रेश होने और पानी पीने के उद्देश्य से एक कार को साइड में खड़ी करके कुछ ही दूरी पर रुक गया, जिसके बाद एक पिकअप ने पीछे से आकर खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मुलताई, वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ा जनसैलाब, अनियंत्रित भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन द्वारा नहीं की गई व्यवस्था। मुलताई में कोरोना वैक्सीनेशन महाभियान के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय कन्या विद्यालय में सेंटर बनाए गए, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से मात्र 2 सेंटर होने के चलते यहां पर सोमवार को सुबह 8 बजे उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय कन्या स्कूल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही प्रशासन द्वारा इस हेतु कोई व्यवस्था की गई, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर उपस्थित नजर आया। प्रभात पट्टन, घाट अमरावती में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में एक को पुलिया में दिया गया धक्का, जिला अस्पताल में हुआ भर्ती। मामला प्रभात पट्टन के घाट अमरावती का है, जहां पर 28 तारीख सोमवार की शाम को एक युवक गुलाबराव दोड़के ने जगदीश और राजीव दामड़े के साथ में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की। मारपीट के दौरान जगदीश दामड़े को पुलिया के नीचे धक्का दे दिया गया, जहां गंभीर घायल अवस्था में 108 के माध्यम से जगदीश और राजेश को मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया गया, जहां गंभीर होने के चलते दोनों युवकों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों युवकों का इलाज जारी है। वहीं अस्पताल चौकी में दोनों युवकों ने गुलाबराव दोड़के के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। घोड़ा डोंगरी के वीडियो चौक में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर जांच करने पहुंचे रेलवे के अधिकारी, जमीन की करी नपाई। घोड़ोंगरी नगर के वीडियो चौक में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर सोमवार शाम को रेलवे के अधिकारी वीडियो चौक पहुंचे और वहां उन्होंने जमीन की नपाई की। इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत भी की। शिकायतकर्ता रमेश उपराले ने बताया कि वीडियो चौक में रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से की थी। सोमवार शाम को रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। वहीं मंगलवार को फिर से रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, जमीन की नपाई करेंगे और मामले की जांच फिर से की जाएगी। भैंसदेही नगर परिषद के कर्मचारियों ने शीतला माता चौक पर मास्क नहीं लगाने वालों के काटे चालान। भैंसदेही नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सोमवार के दिन फेस मास्क का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इन दिनों फेस मास्क का इस्तेमाल करना सभी व्यक्तियों को अनिवार्य है, परंतु कई वाहन चालकों द्वारा शहर की सड़कों पर और गलियों में बिना फेस मास्क लगाए घूमा जा रहा था। इसी दौरान जो भी लोग बिना फेस मास्क के घूम रहे थे, उन पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। भीमपुर दामजीपुरा चिल्लौर मार्ग पर बाइक स्लिप होने के चलते दो लोग हुए घायल, पहुंचाया गया हॉस्पिटल। भीमपुर में सोमवार को 4 बजे के आसपास दामजीपुरा चिल्लौर मार्ग में कामोद गांव के निकट दो लोग बाइक पर सवार होकर दामजीपुरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ये दो मोटरसाइकिल सवार स्लिप होने के चलते जंगल के रास्ते बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा इस हादसे की सूचना दामजीपुरा चौकी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दामजीपुरा चौकी प्रभारी ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आमला डुटमुर गांव में खाना खाने की बात को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी के साथ की मारपीट, दोनों लोग हुए घायल। मामला आमला के डुटमुर गांव का है, जहां पर 27 जून की रात तकरीबन 11 बजे खाना खाने की बात को लेकर शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी के साथ लकड़ी से मारपीट कर दी और उसके बाद घायल कर दिया। तभी दोनों को परिजनों द्वारा गंभीर हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। घोड़ा डोंगरी आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। घोड़ोंगरी में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम घोड़ोंगरी तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तपन कामरा ने बताया कि प्रदेश में लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आमजन परेशान है। महंगाई के विरोध में कल घोड़ोंगरी के तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से लोगों को महंगाई से निजात दिलाने की मांग रखी गई। बैतूल कूलर से करंट लग जाने के कारण महिला गंभीर रूप से हुई घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गणेश वार्ड का मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गणेश वार्ड का है, जहां पर कल दिनांक 28 जून दिन सोमवार को तकरीबन 12 बजे दोपहर में आरती सूर्यवंशी नाम की महिला अपने घर पर झाड़ू लगा रही थी। तभी कूलर में करंट आ जाने के कारण आरती उस करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल होने के चलते परिजनों द्वारा तुरंत दोपहर 12:30 बजे के आसपास जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है और उसके हालत में सुधार बताया जा रहा है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर या ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।